हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अपने पौधों में लिए पौधों में कौन सा फर्टिलाइज़र देती हूँ फ्लावर के लिए आज मैं शेयर करूँगी। और कुछ फर्टिलाइज़र मैं अभी देने वाली हूँ अपने हिबिस्कस रोज़ प्लांट्स में, और उसके बाद मैं दूँगी क्रिसेंथेमम में भी यही वाला फर्टिलाइज़र दूँगी। वैसे कल थोड़ी सी बारिश आई थी, उसके बाद बारिश बिल्कुल भी नहीं है और पौधे जो हैं थोड़ी नाराज़ है, पानी कम है। और ये देखिए कलियाँ कितनी आई हुई है, अच्छी कलियाँ अच्छी ग्रोथ के लिए मैं जो फर्टिलाइज़र देती हूँ वो मैंने ये 4 दिन पहले ही दिया है, और 4 दिन बाद का, ये 4 दिन पहले का वीडियो है और 4 दिन बाद का, इस आज के 4 दिन बाद का मतलब एक हफ्ते में क्या चेंजेस हुआ है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए मैं कौन सा फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा मैं सारे फर्टिलाइज़र्स को इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। तो पहले जो है ये वाला फर्टिलाइज़र जो लिक्विड फॉर्म में देती रहती हूँ मैं अपने पौधों के लिए, ये देखिए ये केले वाला फर्टिलाइज़र मैंने बहुत बार आपसे शेयर भी किया है। तो इस तरह से केले, बचे हुए केले, सड़े हुए केले या केले के छिलके जो होते हैं, इन सबको मैं आकर पानी में डाल कर चली जाती हूँ, 2-3 दिन के लिए छोड़ देती हूँ फॉर्मेट होने के लिए। उसके बाद जो है मैं अपने पौधों में ये वाला पानी डालती रहती हूँ। और ये वाला मैंने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था कि इसमें कोकम है, और कुछ लोग पूछे थे कोकम क्या है। कोकम एक तरह का ये जंगली फल है जो खाने में इस्तेमाल होती है, हमारे यहाँ साउथ में मिलता है ये। और इसके बाद ये है, देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने अपनी पूजा के लिए जितने भी फ्रूट्स मंगाए थे वो सब के छिलके हैं, ड्रैगन फ्रूट के हैं, केले के हैं, अनार के हैं, सभी के हैं। तो ये दोनों है, देखिए इस तरह से मैं जब भी मौका मिलता है थोड़ा थोड़ा बना कर रख लेती हूँ, जब भी मुझे पानी डालना होता है तो एक एक जग में पानी इनमें से उठाकर अपने बाल्टी में डाल लेती हूँ और भरकर वही पानी मैं सब में देती रहती हूँ। और बहुत दिन हो गए मैंने कुछ फर्टिलाइज़र नहीं दिया, सिर्फ लिक्विड ही देती रहती थी। आज मैं थोड़ी सी फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ, उसके लिए मैं मिक्स कर कर रख रही हूँ, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही देती रहती हूँ मैं। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए, मैं इसकी थोड़ी और ज़्यादा सी मिलाकर कभी रख लेती हूँ, अंदाज़े से मैं डालती रहती हूँ। पहले मैंने डाला है नीम केक, उसके बाद ये वाला है जो बकरी के खाद, फिर ये है वर्मी कंपोस्ट। ये वर्मी कंपोस्ट इसमें और एक डाला गया, 2 मैंने इसमें डाला है ये। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स ये है बोन मील, और एक थोड़ी सी मात्रा सरसों की खली है। बोन मील थोड़ा ज़्यादा लिया है मैंने क्योंकि उसमें एक और मैं वर्मी कंपोस्ट ऐड करूँगी। तो ये है राख, राख मैं अपने घर से जो लकड़ियाँ जलाती हूँ, कभी कभी खाना बना लेती हूँ तो वो वाला है। और ये है एप्सम सॉल्ट, थोड़ी सी मैंने मिलाई है। और ये है सीवीड का, सीवीड ग्रैनुअल्स है ये सब। तो इन सबको मैंने मिलाकर रख रही हूँ। अभी मैं रेडी कर ही रही थी तो बहुत ज़ोर से बारिश आई थी, तो मैंने इसे यहीं पर ढक कर रख दिए थे। तो इन सबको थोड़ी सी अच्छे से मैं मिला लेती हूँ, सब मिल जाएगा। और बारिश रुकने के बाद थोड़ी आप फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बारिश में जो है मिट्टी से बहुत सारा पानी बह जाता है, तो मिट्टी थोड़ी अनफर्टिलाइज़र हो जाता है, तो उसको जो है हमें फर्टिलाइज करते रहना है। तो अभी मैं मिट्टी में मिलाने के लिए ये सब मैं डाल रही हूँ। ज़्यादा बारिश के बाद वो ऐसा रहता है कि भूखे पेट जैसा रहता है वो मिट्टी में। लिक्विड में हम कुछ दे नहीं सकते, पानी कम देना पड़ता है, तो ये उस समय के लिए ये ऐसा फर्टिलाइज़र देने से पौधे अच्छी ग्रोथ होती है। तो ये सब मैं डाल के रख रही हूँ। देखिए इसमें मैं लास्ट में जो है वो मैं इसको क्लिपिंग ऐड नहीं कर पाई, लास्ट में है इसमें और मैंने वर्मी कंपोस्ट ऐड किए थे। तो इसी तरह से सारे अपने पौधों में थोड़ी थोड़ी सी गुड़ाई कर कर 1-2 मिट्टी मुट्ठी भर मैं इसमें डालती जाती रहती हूँ, जो अपने सारे पौधों फूल वाले पौधे हैं उसमें। तो इस तरह से देखिए हिबिस्कस के हैं सारे, इसमें फ्लावरिंग अगर नहीं हो रही है तो आप थोड़ी बारिश कम के बाद आप सीवीड का और
वर्मी कंपोस्ट का ऐड कर लीजिएगा। सिर्फ दोनों मिलाने से भी बहुत अच्छे पौधे जो है वो ग्रो होते हैं। तो ये देखिए सारे इसमें मैं अभी जो फ्लावर होकर रुका है वो सबको मैं निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये सब निकालने के बाद इतनी अच्छी सी यहाँ पर ग्रोथ हो रही है। अभी ये इतनी अच्छी सी ग्रो हुई है, इसका आगे कंडीशन भी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और मेरे पौधे बहुत सारे ख़राब भी हो गए हैं, तो रीज़न एंड तक देखिएगा, मैं दिखाती हूँ आपको क्या हुआ है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को। देखिए इस तरह से मैं मिला रही हूँ, इस तरह से एक दो मिट्टी, तो बस बहुत कम डाल रही हूँ क्योंकि अभी ज़्यादा बारिश होगा तो ये भी बहकर चला जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी कम देख देख कर मैं डाल रही हूँ, कुछ दिन के बाद और भी डाल सकती हूँ। और इसका भी लिक्विड बना के रखती हूँ मैं, तो ये भी पानी में हम घोल कर रख देंगे एक हफ्ते के लिए, उसके बाद भी ये वाला यूज़ कर सकते हैं। तो एंड में ये भी मैं आपको बताऊँगी क्योंकि मैं उन्हें पानी में मिला कर रखी हूँ अभी एक दो मुट्ठी डालकर, तो वो भी यूज़ कर सकती हूँ मैं किसी किसी में। अगर इस मुझे मिट्टी में नहीं मिलानी है तो पानी में भी मैं डालकर इसलिए रख सकती हूँ, डाल सकती हूँ, तो इसलिए मैंने रेडी कर दिया है। तो अभी मैंने सारे हिबिस्कस में भी डाल रही हूँ। हिबिस्कस में क्या चेंजेस है वो सब मैं नेक्स्ट में दिखाऊँगी, तो अभी डालती जा रही हूँ। उसके बाद मैं गार्डन दिखाऊँगी आपको थोड़ी बहुत, हाल क्या हुआ है मेरे गार्डन में। ये सब देखिए, देख रहे हैं, मैंने अभी कूड़ा कचरा साफ कर कर इसी में डाला है। इतनी नुकसान हुई है आज मेरे गार्डन में, बहुत सारी नुकसान हुई है, तो एंड में ज़रूर दिखाऊंगी मैं आपसे। तो ये सब लाइन में मैंने डाल दिए हैं। अब पौधे देखिए कहाँ कहाँ बहकर गिर गए हैं। तो यहाँ पर देखिए लिक्विड बना कर रखी हूँ थोड़ी बहुत, यहाँ पर इसमें एक चार मुट्ठी मैंने डाल कर रखी हूँ। तो ये वाला पानी जो अपने पौधों में जब पानी देती रहती हूँ तो मिक्स कर कर देती रहती हूँ, तो ये वाला। तो फ्रेंड्स अभी देखिए हवा इतनी चली है, ज़ोर ज़ोर से हवा चली है, सारे पौधे गिर कर टूट कर हुई है, अभी भी चल रही है। चार पाँच दिन हो गए इतनी हवा चल रही है कि मेरा सारा जो नेट था वो तो निकल कर उड़ ही रहा है पूरा। इतनी अच्छे से मैंने सिलाई की थी उसको, तो उसका हाल देखिए क्या हुआ है। सारे पौधे गिर गए, सारे पौधे टूट गए थे, जो अभी भी मुझे काम करनी है। बहुत सारे मैंने खड़े होकर निकाल कर रखी हूँ, और कुछ पौधे हैं जो अभी मैं स्टैंड पर नहीं रख रही हूँ, इस तरह नीचे ही रख रही हूँ यहाँ पर देखिए। तो बस यही काम हो रहा है, आओ झाड़ू मारो और पौधे जो गिरा है वो रख जाओ, इतना ही काम कर पा रही हूँ क्योंकि हवा इतनी चल रही है कि हम खड़े भी नहीं हो सकते हैं यहाँ पर। बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा चल रही है, बारिश बिल्कुल कम हो गई है, बारिश नहीं हो रही है सिर्फ हवा चलने के कारण ही। तो अभी ये सब भी मुझे अभी बांधनी है, देखिए ये सब टूट कर गिरा है, ये सब पौधे इसी तरफ से झुके हैं। लगातार हवा चल रही है चार दिन से, अगर एक दो घंटे की बात है तो उसके बाद मैं ठीक कर सकती थी। हर रोज़ उठा के रखती हूँ तो फिर गिरता है, उठा के रखती हूँ फिर गिरता, तो ये हो रहा है। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।